मसाइल इतने हो गए थे कि मुझे घर का अखराजात पूरे करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मैंने लाइफ में पहली दफ़ा ये तब सोचा 2010-11 को, तो रीज़न यही था कि मैं अपने फैमिली को अच्छा फ्यूचर दे सकूं, जो कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इतना काम करने के बावजूद मैं यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सका। मैं तो गरीब आदमी हूँ, उसी तरह पैसे इधर से उधर से पकड़ के दिए और जो काम था वो करवाया अपना और मैं चला गया। जब मैं जर्मन चला गया तो उधर जो लोगों ने सैलम लिया हुआ था वो उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरह आप सैलम लोगे तो आप इजी हो जाओगे, वरना इधर बहुत महंगा। मेरे जेब में पैसे भी नहीं थे और बिल्कुल नई साइड थी। जर्मन आके फिर मैंने सैलम ले लिया। फिर हमें जाते हुए घर मिला, बेड मिला, बिस्तर मिला, बर्तन मिले, किचन मिला, हीटर मिले सर्द मुल्क है। जब भी कोई आदमी दूसरी कंट्री में जाता है ना कोई माइंड होता है, कोई सोच होती है, कोई ख्वाब या कोशिश होती है कि मैं इस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा और इन लोगों को मुतासर करूँगा, लीगल काम करूँगा, टैक्स पेड करूँगा, चलो उससे ये होगा कि मेरा रेगुलर सिलसिला बन जाएगा, अपनी फैमिली को मिलने का भी और इधर भी ठीक हो जाएगा। मगर वो बहुत मुश्किल है। वो मैंने उधर तीन काम किए हैं, सबसे ज़्यादा मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया है जब, मगर मुझे कुछ नहीं नज़र आया। कुछ ये कोरोना चल रहा था 2020-21, बैठ बैठ के डिप्रेशन के सिवा कुछ नहीं था, तो इसलिए मैं फिर वापस आ गया। मैंने उधर 8 साल जर्मन में गुजारे हैं। अगर मैं लीगल तरीके से गया होता तो मुझे ये मिसाइल नहीं आने थे। मैं लीगल तरीके से गया हूँ जिसकी वजह से मुझे ये मिसाइल आए हैं कि मुझे 8 साल रह के भी वीज़ा नहीं मिल सका, मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा। मगर जमा पूंजी भी नहीं थी और काम भी नहीं था, तो इधर कोई रिलीफ भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस वजह से सोचा कि इधर तो बैठे हैं, चलो कम से कम अपने बच्चों में तो बैठेंगे ना जाके। मैं भी खुश था कि मैं अपनी बीवी बच्चों में आ गया। जब मैं यहाँ आ गया तो डर तो बहुत ज़्यादा था कि काम नहीं है, पीछे भी फारग बैठे हैं, कोई पैसे भी नहीं है पास, पर मैं शुक्रगुजार हूँ IOM की तरफ ने जो मेरी हेल्प की। अनलीगल तरीके से जाना ही बेवकूफ़ी है, लेकिन अनलीगल तरीके से जाने से आपको काम की इजाज़त भी मुश्किल से मिलेगी, दूसरा आप काला काम करेंगे, छुप के करेंगे। तो लीगल तरीके से जाएं, जहाँ भी जाना है लीगल तरीके से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले।